नेशनल हाईवेज की सौगात दी है, एयरपोर्ट्स की सौगात दी है, नए रेलवे स्टेशंस की सौगात दी है, वंदे भारत की सौगात दी है, उज्ज्वला योजना की सौगात दी है। भारी मतों से कांग्रेस विजयी होने वाली है। इस महिला का अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं, इस महिला का वोट आपको डलवाना ही पड़ेगा। इस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहन सहगल हैं भाजपा के, वो जो हैं हरिद्वार में घूम भी रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो आप लगातार बने हुए हैं बूथ स्थलों पर, कैसे देख रहे हैं जनता का रुझान? देखिए, जनता ने मन बना लिया है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और हरिद्वार से आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ का लोकसभा सांसद बनाना है। किन मुद्दों पर आपको लग रहा है लोग बात जब आपने की होगी तो वो लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, युवाओं के, किसानों के, गरीबों के, महिलाओं के, मैं कहना चाहता हूँ कि विकास का मुद्दा है। जैसे आप देखेंगे नेशनल हाईवेज की सौगात दी है, एयरपोर्ट्स की सौगात दी है, नए रेलवे स्टेशंस की सौगात दी है, वंदे भारत की सौगात दी है, उज्ज्वला योजना की सौगात दी है, नल से जल की सौगात दी है, 370 हटाया है और एक भव्य राम मंदिर बनाया है। इन सब मुद्दों पे भाजपा को बहुमत से, भारी बहुमत से जनता का साथ मिलने जा रहा है। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी वोट डालने जा रहे हैं, कैसा मतदान का रुझान देख रहे हैं आप? मतदान का रुझान मुझे लगता है और उठना चाहिए, अभी मैं मान के चल रहा हूँ ऑलमोस्ट 60% है, पर जितना अवेयरनेस आजकल के ज़माने में है थोड़ा सा मतदान और होना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस के भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो आज बूथ पर लगातार जा रहे हैं और इस समय हमारे साथ विमला पांडे जो हैं वो जुड़ गई हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है हरिद्वार से। क्या लग रहा है, रुझान देख रहा है जनता का, घूम रहे हैं अभी तो कैसा लग रहा है, क्या होने जा रहा है? जनता का बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है और हर व्यक्ति अपने घर से निकला हुआ है और वोट डाल रहा है और भारी मतों से कांग्रेस विजयी होने वाली है। और कुछ जगह अभी जैसे कि मैं हर बूथ पे जा रही हूँ, हमें ये जानकारी मिली कि भल्ला कॉलेज में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, तो मैं जब वहाँ पहुँची तो जिस बहन का फर्जी वोट डाल दिया था उस बहन को हमने बुलवाया और उसके बाद जब अंदर लेकर के गई, हमने वहाँ पीठासीन अधिकारी से बात किया तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा कि ममता इसका भी नाम था, ममता उसका नाम था, तो ये धोखे से डल गया। मैंने कहा धोखे से डलाओ चाहे कैसे भी डलाओ, लेकिन इस महिला का अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं, इस महिला का वोट आपको डलवाना ही पड़ेगा। बहुत लड़ झगड़ कर हमने उस महिला से वोट डलवाया। अच्छा, डला है जी। तो बाकी किन मुद्दों पर लग रहा है आपको चुनाव देख रहे हैं जनता का, किन मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है इस बार चुनाव? जनता महंगाई, बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, किसान की आय जो है, किसान किस तरह से परेशान है, महिलाएं परेशान है, इन सब चीजों को लेकर के जनता टूट पड़ी है वोट डालने के लिए और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूर्ण तरह से तैयार है।